ये जो है, ये जो दिख रहा है ना, ये कौन है, कहाँ का वो है? देखिए ये है, इसमें कौन? गोरखपुरिया भाभी की टीम है। गोरखपुरिया भाभी के ये महादेव हैं जो ये अभी जग गए हैं। और देखिए एक औरत जाके महादेव जी को थप्पड़ मारी, बहुत ज़्यादा बवाल हुआ। देखिए यही चल रहा है वहाँ। देखिए वहाँ फ्रेंड लोग, कल अयोध्या में लात घूसा से समझौता हुआ, लात घूसा थाना पुलिस। और जो वहाँ के बाबा लोग थे वो सब भी गए, बहुत ज़्यादा मतलब वहाँ का माहौल ख़राब था। कोई औरत जाके महादेव को लह थप्पड़ थपड़िया दी और सब लोगों में मारपीट खूब हुआ। और बताओ कैसे ये लोग कर लिए, शॉर्ट आउट कर लिए सुबह सुबह। गोरखपुरिया भाभी भी कहती कि शॉर्ट आउट हुआ। राधा भी मतलब वीडियो में आ करके माफ़ी भी मांगी और जो है बता दी कि हम लोगों का सारा मामला ख़त्म हो गया है, सॉर्ट आउट हो गया है। और जो है चंदा भाभी भी यही बोली। और ये चीज़ किसी ने नहीं बताया कि लात घूसे से बात हुआ भाई, क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा बेइज्जती होगा। ये वीडियो तो किसी ने चुपके से बनाया था, न्यूज वाला जो है कोई बना लिया था चुपके से। वो देखे होंगे बहुत दूर से बना हुआ है, चुपके से कोई बनाया था दूर से और सोशल मीडिया पे आज अभी अपलोड किया है। तो अब देखो मतलब आ गया सच्चाई सबके सामने है। और ताकि सब लोग कह रहे हैं कि सब लोग मिल के काम करेंगे, चंदा भाभी भी बोल रही हैं और वो क्या है राधा राज भी बोल रहे हैं कि गोरखप्रिया भौजी और हम लोग साथ में अब सब लोग काम करेंगे, मिल के रहेंगे और अच्छे से रहेंगे। राधा राज जो है अपनी वीडियो में माफ़ी मांगी है, सबसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगी है। क्या है रो रही थी इतना, धस जाना चाहिए तुम सबको, सबके सबको धस जाना चाहिए। एक पता नहीं कौन सी औरत जाके एक आदमी के ऊपर हाथ उठाती है, शर्म नहीं आता है सब लोगों को? अपने हक के लिए जैसे आप लोग लड़ रहे हो ना, वैसे वो लोग भी लड़ रहे हैं। ठीक है, हर कोई अपने हक के लिए लड़ता है। और तीसरा ये नहीं कि जाके किसी को थप्पड़ मारे, उसको तो उस औरत को तो इतना काटना चाहिए था, बहुत ज़्यादा काटना चाहिए था, वो कोई भी नहीं। ठीक है, उसमें कुछ भगवाधारी भी नज़र आए हैं, अरे बहुत सारे लोग नज़र आए हैं। खूब लात घूसा से बात हुआ है बहुत अच्छे से।